जय श्री कृष्ण दोस्तों। पितृ पक्ष के 16 दिन पितरों को तृप्त करने और उनको प्रसन्न करने के लिए होते हैं। पितृ पक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन अमावस्या के दिन होता है। इस साल पितृ पक्ष 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृ पक्ष के दौरान लोग अपने पितरों को याद कर तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध दान, ब्राह्मण भोज, पंच बलि आदि करते हैं। इससे पितर खुश होते हैं और तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर पितर आपसे नाराज होंगे तो घर में कुछ संकेत मिलते हैं। ऐसे में इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में तमाम परेशानियां आ सकती हैं। पितृदोष कैसे लगता है? पितृदोष का सबसे पहला कारण है अपने पूर्वजों को तर्पण न करना। आत्मा अमर है, वह मरने के बाद भी जीवित रहती है। उनकी शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि पर या श्राद्ध के समय उन्हें तर्पण किया जाता है। वैसे तो हर दिन तर्पण करने का नियम है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में यह अवश्य करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति भी पितृदोष का कारण बनती है। ये 5 संकेत बताते हैं कि आपसे नाराज हैं पितर। नंबर 1, खाने में बाल। खाना खाते समय कभी कभी बाल दिखना सामान्य बात है, लेकिन विद्वानों का कहना है कि अगर ऐसा अक्सर होता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पितृ देवता आपसे नाराज हैं। नंबर 2, विवाह संतान का ना होना। विवाह ना होना या परिवार में संतान ना होना भी पितरों के नाराज होने का कारण हो सकता है। ऐसा विशेषकर तब होता है जब परिवार में किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दंपति के लिए निसंतानता भी पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। नंबर 3, घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमले या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप आ जाता है। घर में पीपल के पौधे का उगना शुभ नहीं माना जाता, इससे घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 4, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसका ठीक ढंग से रखरखाव करने के बाद भी पितृ पक्ष से पहले वह सूखने लग जाए तो समझ जाए कि पितृ दोष से आप पीड़ित हैं और आपके पितृगण अतृप्त हैं। नंबर 5, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उसमें विघ्न पड़ जाए तो ये भी ठीक नहीं माना जाता है। यदि किसी त्योहार या शुभ कार्यों में विघ्न आ जाए या अशुभ कार्य किए जाएं तो यह भी पितृ क्रोध का संकेत हो सकता है। नंबर 6, अगर आपको या परिवार में किसी को बेवजह डर या लगातार चिंता रहती है तो इसे पितृदोष का संकेत माना जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि मृतक संतुष्ट नहीं है। नंबर 7, हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में संकट को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पितृदोष से मुक्ति के कुछ आसान सरल उपाय। नंबर 1, अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पितृ पक्ष के दौरान गीता जी का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि गीता का पाठ करने से पितरों को मोह माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। गीता पाठ के प्रभाव से आपके जीवन में भी सुख शांति आने लगती है। नंबर 2, पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृ पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ पक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाएं, साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 4, पितृ पक्ष में रोजाना शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। नंबर 5, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान पुण्य और सामर्थ्य अनुसार भोज का आयोजन करना चाहिए।
साथ ही जीव जंतु जैसे गायें, कुत्ता, कौवे को अन्न जरूर खिलाएं। नंबर 6, पूर्वजों की फोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम लोक की दिशा माना जाता है। रोजाना पूर्वजों की फोटो साफ करके इस पर फूलों की माला चढ़ाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। नंबर 7, कर्पूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। कर्पूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। नंबर 8, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए कठोरता के साथ में। नंबर 9, दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। यदि दक्षिण मुखी नेतृत्व कोण और आग्नेय कोण में मकान है, मकान के सामने दरवाजे से दोगुनी दूरी पर नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। नंबर 10, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। ऐसा आप 5 गुरुवार को करें। मतलब ये कि यदि आप अपनी जेब से 10 का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सभी सदस्यों से भी 10-10 के सिक्के एकत्रित करके उसे मंदिर में दान कर दें। यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर दान करें। नंबर 11, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन आपको सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ देना चाहिए और यह देते समय अपने कुल देवी देवता का स्मरण भी अवश्य करें। नंबर 12, पशु पक्षियों की सेवा करने और उन्हें भोजन करवाने से भी पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। नंबर 13, अगर पितृ दोष के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं चल रही हैं, तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर आपको पितृ तर्पण करवाना चाहिए। इसके लिए आप हरिद्वार, गया आदि जगहों पर जाकर तर्पण कर सकते हैं। यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।